इंस्टा तो स्नैप ते आ गई लू जैटा सारा दिन चौपर सुपने बेच वलैता। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आपने जो अभी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आपने इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम रील पर ज़रूर से देखी होगी। गाइस, इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम रील पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। मेरे पास ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम पर कई भाई ने सेंड करी थी कि भाई इस वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आओ, ये कैसे बनेगी। सो गाइस, आज आपको मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है VPN। VPN आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको यही वाला VPN डाउनलोड करना है, बस आपके VPN होना चाहिए आपके फ़ोन में। इससे क्या होगा, अगर आपके इसके बिना खोलोगे तो आपका CapCut काम नहीं करेगा ठीक से। दूसरी एप्लीकेशन आपको चाहिए CapCut, ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी गाइस, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब टेलीग्राम चैनल से आप कैसे डाउनलोड करोगे वो भी मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइस, जो वीडियो आप देख रहे हो अभी यूट्यूब पर, इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। यहाँ पर गाइस आपको एक मिलेगा टेलीग्राम लिंक, ठीक है, टेलीग्राम चैनल लिंक। तो आप जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे। उससे पहले गाइस, आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप होना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप नहीं होगा तो आप यहाँ पर नहीं आ सकते। टेलीग्राम भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। जब आपके फ़ोन में टेलीग्राम होगा, आप लिंक पर क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओगे। तो आपको क्या करना है गाइस, CapCut ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपली आपको यहाँ पर साइड में ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ ठीक है। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर आप देखिए, आप जब क्लिक करोगे आपके सामने CapCut आ जाएगा, आपको यही वाला इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले गाइस आपको अपना VPN ओपन करना है, जो भी आपने VPN डाउनलोड करा होगा प्ले स्टोर से, ठीक है। आपको इसे कनेक्ट करना होता है इस पर क्लिक करके। अभी मैं बता देता हूँ कैसे आपको इस पर क्लिक करना है। ये थोड़ी सर्चिंग, इस पर क्लिक कनेक्ट करके इसे आपको फ्री सर्वर विद एड पर कर देना है। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया, ऊपर भी शो हो रहा है, बन के आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। कट कर देना है आपको इसे। फिर आपको सेकंड एप्लीकेशन CapCut ओपन करनी है, ठीक है। और गाइस, आपको एक वीडियो शूट करके रख लेनी है अपनी सतविंदर नवाब जैसी। जो वीडियो मैंने आपको शुरू में प्रीव्यू में दिखाई थी ना, वो वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको एक वीडियो लेनी जो आपने सतविंदर नवाब जैसे शूट करके रखी होगी। आपको वीडियो सेम ऐसे ही शूट करके रखनी, तभी आपकी वीडियो अच्छी लगेगी। कितने मिनट की वीडियो शूट करनी है आपको ये देख लेना है, कितने मिनट की वीडियो है। एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क होगा, आपको इसे डिलीट कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो देख लेनी है, आपने बिल्कुल सही वीडियो शूट करी यहीं से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपकी वीडियो में म्यूज़िक रहेगा ना, वो आपको यहाँ से म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, अब आपको इसमें ऑडियो ऐड करना है। ये वाला ऑडियो आप कैसे ऐड करोगे, नीचे लिखा है ऐड ऑडियो, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको साउंड वाले एक काम करना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट पर, थर्ड नंबर पे जो आ रहा है। ये वाली वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो जब आप ये वाली वीडियो लोगे ना यहाँ से, तो जो इसका म्यूज़िक निकल के यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हो म्यूज़िक निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आपने म्यूज़िक लगा लिया, आपने अपनी वीडियो लगा ली यहाँ पर। अब आपको ये इफेक्ट वगैरह लगानी है, आप कैसे लगाओगे? सबसे पहले आपको दो फिंगर से वीडियो के लेयर को फुल जूम कर लेना है। जूम होने के बाद आपको थोड़ा सा आगे चलना है। यहाँ पर इंस्टाग्राम का सीन होता है, ये काम करना, सबसे पहले आपको ये वाले फ़िल्टर लगाने। ये आप कहाँ से लगाओगे ये वाले फ़िल्टर, वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट नाम के, इफेक्ट, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वीडियो इफेक्ट में क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको आना है पार्टी वाले ऑप्शन में। जब आप पार्टी वाले ऑप्शन में आओगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएंगे, जो आपका मन करे आप वो लगा लेना। जैसे यहाँ पर लिखा है कलर नेगेटिव, आप यह भी लगा सकते हो, नेगेटिव भी लगा सकते हो, इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्पल नेगेटिव, ब्लू नेगेटिव, ऑरेंज नेगेटिव, जो आपका मन करे यहाँ पर आप लगा लेना। मगर लगाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आप इफेक्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका इफेक्ट तो लग जाएगा, मगर जो इफेक्ट होगा आपका काफ़ी लंबा लगेगा। तो आपको इसे ना पांच को लाकर खींच के छोटा कर लेना, इस तरीके से पांच को लाओगे,
छोटा हो जाएगा, जितना आपका मन करे उतना आप इसे लगा लेना, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद फिर से लगाना है। अब यहाँ पर आपको ये वाली इंस्टाग्राम की PNG और स्नैपचैट की PNG लगानी है, वो कैसे लगाओगे आप? तो आपको थोड़ा सा आगे चलना है, जहाँ पर इंस्टाग्राम का जिक्र होता है सॉन्ग में, जहाँ पर इंस्टाग्राम का बोल आता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे इतना आगे रुकना है। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा बैक करने के बाद साइड में ओवरले का, यहाँ पर ओवरले पे क्लिक करना है, एड ओवरले पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की PNG मिलेगी। ये PNG वगैरह आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है वो मैं आपको अभी वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसे छोटा सा करके ना इसे आपको हैंड अब जहाँ पर आपका हाथ होगा ना उस साइड रख देना है, मगर मैं ऊपर नहीं रखूँगा क्योंकि ऊपर पहले से आ रही इस वीडियो में, तो मैं आपको थोड़ा नीचे रख के दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने इसे इतना छोटा कर लिया मान लो। अब आपको क्या करना है, इस लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पर ये प्लस वाला ऑप्शन है ना इस पे क्लिक करना है आपको, इस पर क्लिक कर दिया आपने, थोड़ा सा आगे चलना है, इसे जूम कर देना है, थोड़ा सा आगे चलना है, जूम कर देना है इस तरीके से, और इसे इधर कर देना है, फिर थोड़ा सा आगे चलना है इसे और जूम कर देना है, फिर थोड़ा सा आगे चलना है इसे आपको इधर कर देना है, फिर थोड़ा सा आगे चलना है इसे आपको इधर कर देना है, फिर थोड़ा सा आगे चल के आपको इसे बड़ा करके इधर कर देना है, ठीक है, इस तरीके से, फिर थोड़ा सा आगे चल के इसे और बड़ा कर देना है इस तरीके से। गाइस आपको इसे यहाँ पर रोक देना है करीब, ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना। अब आपको करना है आपको डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ी ज़्यादा दूर को चलना है इस तरीके से, और इसे ऐसे रहने देना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे आपको ऐसे रहने देना है। यहाँ पर देखिए जहाँ पर स्नैपचैट का जिक्र आता है, स्नैपचैट का, यहाँ पर आपको ये वाली PNG लगानी है। यहाँ पर रोकने के बाद एड ओवरले पे क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाली PNG ले लेनी स्नैपचैट की। ये PNG लेने के बाद ना तो आपको इसे छोटा कर लेना है, बिल्कुल यहाँ पर छोटा करके आप मान लो ऊपर की साइड रखोगे, मैं यहाँ रख देता हूँ, तो इसे मैं इस पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इसे थोड़ा सा आगे चलना है, इसे आपको जूम कर देना है इस तरीके से, थोड़ा सा आगे चलना है, इसे आपको जूम करके यहाँ ले जाना है, फिर थोड़ा सा आगे चलना है, इसे यहाँ ले जाना है, थोड़ा सा आगे चलना है, इसे आपको इतना कर देना है, मतलब आपको इस तरीके से चलते रहना है। अब क्या करना है, आपको थोड़ा सा आगे आगे चलना है, यहाँ पर देखिए फिर स्नैपचैट ऊपर गया हमारा इस तरीके से। अब आपको इस तरीके से बाहर निकाल देना है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने ये बाहर निकाल दिया। अब आपको इंस्टाग्राम को निकालना है इसी तरीके से, यहाँ पर इंस्टाग्राम वाली लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है इस तरीके से, देखिए आप यहाँ पर आपका स्नैपचैट आपने निकाला होगा जिस तरीके से, ऐसे ही आपको अपना इंस्टाग्राम भी ऊपर करना है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से ऊपर करना है, और इस तरीके से आपको इसे ले जाके ना इस तरीके से आपको इसे बाहर को कर देना है। तो कुछ इस तरीके की वीडियो लगेगी, आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देखते हो अगर आपकी स्नैपचैट मान लीजिए स्नैपचैट वाली PNG लगाई है मैंने, मान लो ये बड़ी है भी जूम, मैं आगे चलता हूँ ये थोड़ी छोटी हो गई, तो आपको क्या करना है, नीचे वाली लेयर पे क्लिक करके जो आपने क्रोमा की लगाया ना ये ऑप्शन इसका प्लस का, तो आपको इसे जूम कर देना है इस तरीके से, तो ये आपकी फिर से छोटी हो गई, फिर से यहाँ पर जूम कर देना है, जहाँ जहाँ पर ये छोटी हो जाती तो आपको इसे जूम कर लेना है इस तरीके से, तो फिर ये आपकी छोटी नहीं होगी, डायरेक्ट आपकी बड़ी हो जाएगी इस तरीके से, आपको बड़ा कर लेना है। मैं यहाँ पर भी बड़ा कर लेता हूँ इसे, ठीक है। आपको अगर प्रॉब्लम आती है आपके में तो आप इस तरीके से इसे ठीक कर लेना। अब यहाँ पर इसका काम ख़त्म हो गया, जो फालतू का लेयर पार्ट होगा ना इसका आपको डिलीट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया। अब आपको ये वाला इफ़ेक्ट लगाना है, वो आप कैसे लगाओगे, नीचे आपको आना है इफ़ेक्ट में, इफ़ेक्ट में आने के बाद आपको वीडियो इफ़ेक्ट में आना है। यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है D3D, इस पर क्लिक करना है। नीचे आप सेकंड वाली लाइन में देखिए लिखा है थर्ड नंबर का इफेक्ट, ठीक है, आपको ये वाला लगा देना इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लग गया जैसे। और इसकी जितना बड़ा आप लगाना चाहते हो इसे आपको उतना बड़ा कर देना है, मगर पहले से इस वीडियो में है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसमें लगा हुआ है, थोड़ा सा लगाना है। अब आपको ये व्हाट्सएप चैट की वीडियो लगानी है, आपको कहाँ से लगाओगे गाइस, आपकी व्हाट्सएप चैटिंग फ्रेंड के साथ कोई भी आपको उसका स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है। स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड करनी नहीं आती आपसे तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करें। वैसे सभी के फ़ोन में ऑप्शन भी होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो आपको व्हाट्सएप चैटिंग की ना रिकॉर्डिंग चालू करके व्हाट्सएप चैटिंग को आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद वो रिकॉर्ड कर लोगे आप, तो उस वीडियो को ना आप काइन मास्टर की मदद से किसी भी ऐप से आप उसे वीडियो को फास्ट कर लेना और उसमें ब्लर लगा देना, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने अभी जो वीडियो लिया उसमें ब्लर लगा दिया, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ लेने के बाद। यहाँ पर ओवरले पे क्लिक करके एड ओवरले पे क्लिक करके जो मैं वीडियो इसमें लगाने वाला हूँ उसमें मैंने ब्लर लगा दिया, आप देख सकते हो, ठीक है।
अब आपको लगानी कैसी है वो मैं आपको, मैंने इसमें ब्लर लगा दिया, आप देख सकते हो ठीक है। अब आपको ये वीडियो लगानी कैसे है, कितनी लगानी है, वही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो पहले से लगी हुई है मगर मैं आपको थोड़ा सा आगे लगा कर दिखाता हूँ ये, ठीक है। इस तरीके से मान लो मैं आपको यहाँ लगा कर दिखाता हूँ ये। एड ओवरले पे क्लिक करके आपको ही वहीं लगानी है जहाँ पर चैट का जिक्र होता है, मगर मैं यहाँ लगा देता हूँ ठीक है, ताकि आपकी अच्छे समझ में आ जाए। मैं इसे दोबारा ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने गलत वीडियो ले ली, ये वाली मैं इसे ले लेता हूँ। तो आपको इसे बड़ा करना है इस तरीके से। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मास्क का, मास्क पर क्लिक करके ना इसमें आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्प्लिट पर। अब आपको इसे ऊपर लेके जाना है कितनी आप इसे दिखाना चाहते हो येलो लाइन को, और नीचे वाले एरो को आपको इस तरीके से खींच देना है तो आपकी वीडियो लग जाएगी। मगर अभी आपका जो फेस होगा वो ब्लर हो जाएगा, तो आप वो कैसे ठीक करोगे वही मैं आपको बता देता हूँ। जितनी बड़ी आप ये वाली वीडियो लगाते हो ना उतनी बड़ी में आपको पार्ट करना है, वो कैसे स्प्लिट करना है देखिए। ये बहुत ज़्यादा हमारी वीडियो बड़ी हो गई तो मैं इसे स्प्लिट करके बाकी डिलीट कर देता हूँ ठीक है। अब इतनी बड़ी लगा ली मैंने, अब क्या करना है, जहाँ से मतलब लेयर शुरू हो रही है ना आपको इस यहाँ पर एक स्प्लिट करना है। स्प्लिट कर दिया, आपको आगे जाना है, फिर जहाँ पर ये लेयर ख़त्म है यहाँ पर भी आपको एक स्प्लिट करना है। अब इसका बीच वाला जो पार्ट है ना उसे आपको कॉपी करना है, लास्ट में आपको नीचे कॉपी मिल जाएगा, कॉपी वाले ऑप्शन पे अगले वाले पार्ट पे क्लिक करके जो आपका कॉपी हो गया आगे आ जाएगा, उसे आपको ओवरले में निकालना है। नीचे ओवरले का ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये वाले जो मतलब लेयर को ना आपको नीचे को पकड़ के लाना है इस तरीके से, और इसे आपको उसी पार्ट के नीचे रख देना है जो आपने कॉपी करा था, जो आपकी मतलब जिसमें आपने वीडियो लगाई है चैट वाली ठीक है, उसी के नीचे आपको रख देना है इस तरीके से। आपको ये आराम से करना है, बिल्कुल आपको उसी के नीचे करना है। अगर आप थोड़ा आगे पीछे करोगे तो आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगेगी ठीक है। मैंने उसी के नीचे रख दिया। अब आपको नीचे वाली लेयर पे क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्ड, वो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गाइस जिसका नाम है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करके तो इसकी रिमूव बैकग्राउंड हो जाएगी ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी थोड़ी प्रोसेसिंग होने के बाद ठीक है। आप देखते हो अभी यहाँ पर जो ये आपका है ना ये पूरा आ जाएगा, मतलब पीछे हो जाएगी चैटिंग वगैरह। आप देखते हो इस तरीके से आप लगा लेना जितनी आप लगाना चाहते हो। अब आपको ये वाला इफेक्ट कहाँ मिलेगा मैं आपको पीछे मतलब पीछे वाला इफेक्ट दिखाने दे आपको, ये मैंने आपको इफेक्ट आगे लगा कर दिखाया था ठीक है। अब क्या करना है देखिए मैं आपको इफेक्ट दिखा देता हूँ, ये वाला इफेक्ट भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको गाइस ये वाला इफेक्ट बताना है मुझे, ये वाला ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा। तो नीचे आपको इफेक्ट में जाना है, फिर से इफ़ेक्ट में आने के बाद आपको आना है वीडियो बॉडी इफेक्ट में, बॉडी इफेक्ट में आने के बाद आपको आना है इसमें हीडवेयर में। आपको देख लेता हूँ कहाँ पर है ये, आपको डेकोरेशंस, आपको डेकोरेशन में आने के बाद ना यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखिए, यहाँ पर आप फर्स्ट वाली लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में आपको मिल जाएगा ये जियोमेट्रिक के नाम से ठीक है। आप देखते हो यहाँ पर इसे आपको लगा देना है, इसे आपको कितनी दूरी तक लगाना है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये इफेक्ट वगैरह आप कहाँ से लगाओगे ये आपको एनिमेशन में मिल जाएंगे, नीचे आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो पर क्लिक करने के बाद, एनिमेशन में जाकर आप लगा लेना अपनी मर्ज़ी से। अब ये करंट वाला इफेक्ट आपको कहाँ मिलेगा, नीचे आपको इफेक्ट में आना है, यहाँ पर बॉडी इफेक्ट में आना है, यहाँ पर गाइस आपको आना है इसमें मैं देख लेता हूँ इमोशंस में शायद ठीक है, हाँ इमोशंस में आना है। बॉडी इफेक्ट में आने के बाद ये आपका सेकंड वाली लाइन में, फर्स्ट में आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, आपको ये लगाना है इसमें ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा आगे चलना है, आप चाहो तो थोड़ी सी वीडियो यहाँ भी लगा सकते हो उसी तरीके से जैसा आपने फर्स्ट में लगाई। ये वाला इफेक्ट आपको कहाँ मिलेगा इस तरीके का, आप देख रहे हो ये इफेक्ट जो पड़ रहा है बॉडी के अंदर, ये बॉडी इफेक्ट में मिलेगा ये भी आपको। नीचे आपको यहाँ पर आना है इसमें, इसमें आपको मिलेगा इसका नाम है सराउंडिंग्स ठीक है, सराउंडिंग्स में आपको मिलेगा गैस वेव्स के नाम से, थर्ड नंबर का इफेक्ट आपको लगा देना है ठीक है इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको ये कहाँ मिलेगा, ये मून वाला स्काई वाला इफेक्ट, ये आपको वीडियो इफेक्ट में मिलेगा। यहाँ पर गाइस आपको आना है इसमें, गाइस आपको आना है D3D में, ये आपको फर्स्ट में मिल जाएगा ठीक है, मून्स नाम से लगा देना आपको जितना आप इसे लगाना चाहते हो ठीक है। और ये प्लेन वाली वीडियो आप कैसे लगाओगे, आपको नीचे ओवरले पे क्लिक करके, एड ओवरले पे क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको ये प्लेन वाली वीडियो लेनी है, मगर ये वीडियो ना बहुत स्लो चल रही है तो आपको इसे फास्ट करना होगा और छोटी करना होगा, ये बड़ी ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसका क्रोमा की हटाना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्रोमा की के नाम से, इस पर आपको इसे निशान को नीचे करके ना और इस इंटेंसिटी पे क्लिक करके इसकी इंटेंसिटी आपको कम बढ़ती कर देनी इस तरीके से ठीक है। आपका अभी प्लेन निकल के आ जाएगा यहाँ पर देखिए, इसे आपको जूम करके जहाँ भी आप इसे सेट करना चाहते हो वहाँ इसे आप रख लेना,
ठीक है, इस तरीके से। और मगर आपको इसे फास्ट करना है, वो कैसे करोगे, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्पीड नाम से, स्पीड पर क्लिक करना है और नॉर्मल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी इसकी स्पीड रखनी है गाइस 4.7 की रख लेना आप, राइट कर देना। अभी आपकी वीडियो मतलब प्लेन वाली वीडियो फास्ट हो जाएगी इस तरीके से। मगर आपका प्लेन पीछे कैसे होगा, जिस तरीके से गाइस आपने वो वाली वीडियो लगाई थी ना, अभी आपको मैंने दिखाया था वो चैट वाली, उसमें आपने इतना पार्ट करके वो पार्ट को आगे निकाल लिया था लेयर बना के, उसी तरीके आपको नीचे करके ना पार्ट निकाल के इसकी लेयर का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना, प्लेन आपका पीछे पहुँच जाएगा। इसी तरीके से आप लगा लेना। ये वाला इफेक्ट कौन सा है, आपको शुरू में मैंने सबसे फर्स्ट में बताया था कलर नेगेटिव, ठीक है, वो आप लगा लेना इसमें। गाइस आई होप आपकी अच्छे समझ में आया होगा वीडियो। गाइस आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर से करना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। और गाइस आपको ये प्लेन वाली वीडियो और वो स्नैपचैट की फ़ोटो वगैरह PNG आपको कहाँ से मिलेगी गाइस, वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो गाइस अगर आपको वीडियो कैसे सेव करनी है, ऊपर साइज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसका रेजोल्यूशन फुल करके फ्रेम रेट 30 करके यहाँ से वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।